सुप्रीम कोर्ट में जातीय गणना को लेकर सुनवाई होने वाली थी और अब जो है सुनवाई खत्म हो चुकी है। क्या कुछ निकल कर सामने आया है जानते हैं वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष मिश्रा से। सर, जिस तरीके से 6 अक्टूबर का डेट दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट में जातीय गणना को लेकर के सुनवाई हुई थी और क्या कुछ फैसला है? देखिए, 2 अक्टूबर को जातीय गणना की जो रिपोर्ट आई थी उसको नीतीश तेजस्वी की सरकार ने सार्वजनिक किया था, उसी पर रोक लगाने के लिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, अवमानना है, डेटा लीक नहीं करना है, ऐसा कर करके 3 अक्टूबर को याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका ये याचिकाकर्ता का ये कहना था कि डेटा लीक करने की बात या डेटा सार्वजनिक करने की बात सरकार की तरफ से नहीं कही गई थी, सिर्फ जातीय गणना कराने की बात कही गई थी ताकि योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया जा सके, शोषितों, वंचितों, गरीबों को, जिनको लाभ की ज़रूरत है उनको पहुंचाया जा सके। लेकिन अब डेटा सार्वजनिक हो चुका है जो कि गलत है, तो इस पर तुरंत रोक लगाई जाए, ये कह के याचिकाकर्ता ने 3 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया याचिका को देख करके सुन करके उसको एक्सेप्ट कर लिया था और उस दिन 6 अक्टूबर यानी आज की तारीख, शुक्रवार की तारीख मुकर्रर की थी कि इस दिन सुनवाई होगी। आज सुनवाई आधे घंटे के आसपास सुप्रीम कोर्ट में चली है और आज की जो सुनवाई खत्म हुई है उसके बाद जो डिसीजन आया है वो कह सकते हैं, डिसीजन तो नहीं आया है, फिलहाल जो सुनवाई में जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही है उससे एक लाइन में कहा जाए तो नीतीश और तेजस्वी सरकार को बड़ी राहत मिली है, बड़ा रिलीफ मिला है। ऐसा इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मांग को फिलहाल नहीं माना है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम डेटा को सार्वजनिक करने पर फिलहाल नहीं रोक लगा सकते हैं, यानी बिहार सरकार फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है, हम उसके फैसले को कैसे रोक सकते हैं, तो ये बड़ी राहत कही जा रही है। अब इस मामले में जनवरी 2024 में इस मामले पर सुनवाई होगी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मामला थोड़ा सा उलझा हुआ है, पेचीदा है, इसीलिए इसको एक हियरिंग में इस पर कंक्लूजन पर निकल जाना ठीक बात नहीं है, इसीलिए इसको विस्तृत तरीके से इस पर सुनवाई करने की ज़रूरत है। ये सुप्रीम कोर्ट का मतलब आज की सुनवाई में सारी चीज़ें हुई है, माना जा रहा था इस पर, चूंकि बड़ा डिसीजन सरकार का था और इसको लेकर के देश की राजनीति, बिहार की नहीं देश की राजनीति गरमाई हुई है, सब लोग अपने अपने आंकड़ों के हिसाब से, अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से इस पर सियासत करने में लगे हुए, कोई कह रहा है कि इंडिया अलायंस को लाभ हो सकता है, कोई NDA को लाभ होने की बात कर रहा है, सब जिसकी जितनी भागीदारी हिस्सेदारी की बात सामने आ रही है, तो ये और कई लोगों ने शिकायत भी की है कि हमारे जाति का जो डाटा सार्वजनिक हुआ है वो सही नहीं है, उसमें त्रुटि है, तो इस तरीके की बात सामने आई थी। मेन यही था कि डाटा सार्वजनिक करना उल्लंघन है, इसीलिए याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ये कहा जा सकता है कि ऐसी किसी भी याचिकाकर्ता की मांग को पूरा नहीं किया है और अब 2024 के जब जनवरी महीने में सुनवाई होगी, डेट अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि किस तारीख को यह सूचीबद्ध होने पर, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मामले रहते हैं तो कब सूचीबद्ध होता है यह मामला, तब होगा उस समय जब विस्तृत सुनवाई होगी और मुझे लगता है कि जनवरी में जब तारीख पड़ेगी उस रोज भी कोई कंक्लूजन पर आने वाला नहीं है, उसके बाद भी तारीख पड़ सकती है कई तारीख, तब जाकर कि इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। फिलहाल एक लाइन में कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को बड़ी राहत दे दी है, चूंकि इस डिसीजन पर लोगों की नज़रें बनी हुई थी, खासतौर पर नीतीश और तेजस्वी की सरकार की नज़रें बनी हुई थी, सत्ता पक्ष से लोगों की निगाहें टिकी हुई थी, धड़कनें बढ़ी हुई थी, टेंशन में थे वो लोग कि आखिर क्या सुप्रीम कोर्ट कहीं इस बार भी रोक तो नहीं लगा देता है, चूंकि लास्ट टाइम में हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई थी, सब सुप्रीम कोर्ट में गया था आदमी, सुप्रीम कोर्ट के बाद सरकार गई थी, तब फिर हाईकोर्ट में आया था, तब जातीय गणना करने की इजाज़त मिली थी। कुल मिलाकर के बड़ी राहत है और सरकार अब
इस डेटा के आगे जो जो प्रक्रिया है वो भी पूरी कर सकती है, चूंकि उस पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। जी बिल्कुल, तो बिहार से ये सबसे बड़ी खबर है और बिहार सरकार के लिए सबसे बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को राहत दे दी है। डेटा सार्वजनिक करने से मतलब नहीं करने से इनकार वो नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से आज देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली थी और आज जो है बिहार सरकार के लिए बहुत बड़ा दिन माना जा रहा था, सबकी नजरें जो है इस पर टिकी हुई थी, लेकिन अब जो फैसला आया है कहीं ना कहीं बिहार सरकार की जीत मानी जा रही है। तो देखना होगा कि ये बिहार की सियासत में किस तरीके से रुख करता है। आप देख रहे थे आईबी टीवी, धन्यवाद।